खबर गुरुग्राम से है, जहां मोनू मानेसर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। आज मोनू मानेसर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मोनू मानेसर की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। ऐसे में फायरिंग मामले में मोनू मानेसर की आज कोर्ट में पेशी की जाएगी। आज मोनू मानेसर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, पूरा मामला फायरिंग से जुड़ा हुआ है और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आज महत्वपूर्ण दिन कोर्ट में पेशी। देखिए, बिल्कुल, मोनू मानेसर को कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर पुलिस को दिया था और आज 4 दिन पूरे हो रहे हैं और आज दोपहर बाद मोनू मानेसर को पेश किया जाएगा। 4 दिन की इस रिमांड के दौरान फायरिंग मामले में जिस तरह से पुलिस ने पूछताछ की और पूछताछ के दौरान जो मालूमात हुआ है पुलिस को, उस आधार पर अब आज कोर्ट में भी पुलिस की तरफ से जो तथ्य मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, उनको रखा जाएगा। और हो सकता है कि पुलिस, क्योंकि पिछली दफा 7 दिन की रिमांड पुलिस ने कोर्ट से मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड मोनू मानेसर की दी थी, और अब देखना ये होगा कि आज क्या तथ्य रखती है। हो सकता है पुलिस आज एक बार फिर 2 दिन की और रिमांड मोनू मानेसर को रिमांड पर ले सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे सबूत जुटाने थे जिसमें दूसरे प्रदेशों से सबूत जुटाने थे जिसमें मुंबई शामिल था, तो वो गुहार कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस ने लगाई थी। तो देखना ये होगा कि आज जो तथ्य रखती है, क्या उस आधार पर मोनू मानेसर की रिमांड दिन और बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आज दोपहर बाद मोनू मानेसर की पेशी होगी। बिल्कुल देवेंद्र, अभी तक यानी कि चार्जशीट में जो सबूत है वो कितना पुख्ता नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी तक क्योंकि गुरुग्राम पुलिस ने जो मामला दर्ज किया था पटौरी थाने में, वो फरवरी में मामला दर्ज किया था और उसी आधार पर लगातार जो मोनू मानेसर था वो गिरफ्त से बाहर था, लेकिन अब जब राजस्थान पुलिस के गिरफ्त में मोनू मानेसर था तो उसके बाद प्रोडक्शन वारंट पर गुरुग्राम पुलिस मोनू को लेकर आई और कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर दिया, जिसके दौरान अब पूछताछ की गई और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। और इस पूरे फायरिंग मामले में, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से जो हथियारबंद लोग थे वो किस तरह से हथियार लहराते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें मोनू मानेसर भी था, और उसी आधार पर उन हथियारों को बरामद करना, उनकी आरोपियों की पहचान करना, इसके अलावा जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके बयान लेना, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। और यही कारण है कि गुरुग्राम पुलिस ने अब क्या तथ्य जुटाए हैं इन 4 दिनों में और अब क्या कोर्ट के सामने दलीलें रखी जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, धन्यवाद देवेंद्र तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।